हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो फोटोशॉप के ऊपर है। फोटोशॉप में आज मैं आपको सिलेक्ट मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने कोई फ़ोटो ले ली है और इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट मेन्यू में ऑल। यदि आपकी फ़ोटो का पूरा सिलेक्शन लेना चाहते हैं एक साथ तो ऑल पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दें। मैंने ऑल पे क्लिक किया, मेरी पूरी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है दोस्तों। अब इसके बाद आता है ऑप्शन डिसलेक्ट। यदि आपने कोई सिलेक्शन लिया है, जैसे कि ये मेरा पूरा सिलेक्शन है, आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप डिसलेक्ट पे क्लिक कर दें। ये देखिए मेरा पूरा सिलेक्शन हट गया। ये देखिए मैंने ये कोई सिलेक्शन लिया है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो सिलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, डिसलेक्ट पे क्लिक कर दूँगा या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा तो ये मेरा सिलेक्शन हट जाएगा। इसमें जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है रिसलेक्ट। रिसलेक्ट का मतलब है कि आपने जो अभी सिलेक्शन हटाया है वापस से उसको रिसलेक्शन करना चाहते हैं, वापस से वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रिसलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा सिलेक्शन वापस आ गया है। इसी तरह से ये देखिए मैंने ये कोई सिलेक्शन किया है, अब मैं वापस से इसको डिसलेक्ट कर देता हूं। अब वापस से मैं इसको रिसलेक्ट करना चाहूं तो सिलेक्ट में जाके और रिसलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्शन वापस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स ऑप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मैंने कोई सिलेक्शन लिया, मैं ये अभी मेरा जो सिलेक्शन है ये इस फोटो का ये वाला एरिया सिलेक्शन है, मैं चाहता हूँ इसके अलावा ये बाकी पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाए तो मैं सिलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और इनवर्स पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए अभी ये मेरा पूरा आउटर पार्ट जो मेरा पहले सिलेक्शन था इससे आउटर पार्ट सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कैसे। ये देखिए मैंने ये सिलेक्शन लिया, अभी मैं यदि इस वाले पोर्शन को मूव करवाता हूँ तो ये वाली फ़ोटो मेरी इमेज मूव हो रही है जितनी कि मैंने सिलेक्शन ली। मैं वापस से एक बार बैक स्टेप पे आ जाता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इस एरिया के अलावा बाकी एरिया मूव हो तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और इनवर्स पे क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए अब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो ये देखिए उस एरिया को छोड़कर मेरी बाकी पूरी फ़ोटो मूव हो रही है। तो इसको कहते हैं इनवर्स सिलेक्शन, यानी हमने जो सिलेक्शन लिया है उसके उलट उसके अलावा बाकी चीज़ सिलेक्ट होना। अब आता है इसमें कलर रेंज। कलर रेंज का लिए मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। कलर रेंज का मतलब होता है कि एक आईड्रॉ पर एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा कलर रेंज पे क्लिक करते ही। और आपके सामने जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो आप ये आईड्रॉ पर टूल से जिस जिस कलर पे भी सिलेक्ट करेंगे वो जो भी कलर वहाँ पर उस फोटो में मौजूद है वहाँ वहाँ पर वो सिलेक्शन आ जाएगा। ये देखिए मैंने स्काई पे क्लिक किया और इसके बाद ये प्लस आईड्रॉपर पे क्लिक करके मैं, क्योंकि मुझे पता कि अभी ये वाइट एरिया ही यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसके अलावा ये यहाँ पे भी स्काई है, मैंने यहाँ पे भी ये प्लस आईड्रॉपर का क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया और मैंने कर दिया ओके। तो आपको बार बार सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये जहाँ जहाँ पे आईड्रॉपर से मैंने जो जो कलर लिया था जो जो फोटो में वहाँ कलर है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया। अब आप इसमें सिलेक्शन ऐड करके रिमूव करके आपके सिलेक्शन को परफेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए यह यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया, ऑल के साथ हम सिलेक्शन हटाते हैं और शिफ्ट के साथ हम ऐड करते हैं तो हमें आसमान को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। बस सिलेक्शन को थोड़ा सा हमें परफेक्ट बनाना होता है क्योंकि बाकी सारा काम तो हमारा कलर रेंज ने खुद ब खुद ही कर दिया है। अब इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है, मैं आपको इसमें अब जो ऑप्शन बताने वाला हूँ वह सिलेक्ट मेन्यू के अंदर है, ग्रो फेदर और मॉडिफाई। अभी बताऊँगा मैं आपको, पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रो। तो जब आप ग्रो पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि उसके आसपास यानी उसकी रेंज में जो कलर हैं जो कि हमारे माइनर से पॉइंट छूट गए हैं, माइनर से पॉइंट जो छूट गए हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये थोड़े थोड़े से यहाँ पे ये पॉइंट सही छूटे हुए हैं, ये सिलेक्ट नहीं है। तो आप सिलेक्ट में जाके जब ग्रो पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अब सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आता है आपका सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है कि उस फोटो में उस कलर रेंज के अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। या मैंने सिमिलर पे क्लिक किया तो ये देखिए ये सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो गया है। अब इसमें बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ मॉडिफाई और फेदर के बारे में। तो मैं एक बार इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। डिसलेक्ट करने के बाद मैंने ये कोई मैं इसको ये मैंने सिलेक्शन लिया है, अब मैं इस जितना मैंने सिलेक्शन लिया है इसकी एक कॉपी बना लेता हूं दोस्तों। मैं इसको करता हूं कंट्रोल जे, ये मैंने कंट्रोल जे किया।
अब आप देखेंगे ये कंट्रोल जे करते हैं, इसकी एक लेयर बन गई। तो लेकिन आप देखेंगे इसका ये बॉर्डर बिल्कुल एकदम स्मूथ है, ये देखिए बिल्कुल एकदम हमें पता लग रहा है कहाँ एंड पॉइंट है, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए है ना। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं यदि इसमें फेदर दे देता हूँ, ये देखिए मैंने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद मैंने ये दिया इसमें फेदर। फेदर का मतलब होता है ब्लरनेस, स्टार्टिंग पॉइंट में ब्लरनेस। यदि मैं मान लीजिए यहाँ पे 20 का फेदर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका लेयर बनाता हूँ इस वाले सिलेक्शन की, तो मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। और मैंने इसका कंट्रोल किया जे, तो अब आप देखेंगे ये देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट में और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना फ़र्क है। इसमें थोड़ा सा ब्लरनेस आ गई है और इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस है बिल्कुल। और यदि आप और भी ज़्यादा फेदर देते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा ब्लरनेस आ जाएगी। यहाँ सेलेक्ट में गया और फेदर, ये फोटोशॉप की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड होती है फेदर, याद रखिए दोस्तों, ये फोटोशॉप की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है फेदर। इसी के थ्रू ये देखिए मिक्सअप, पता नहीं लग रहा कि हमारी स्टार्ट पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ, जबकि सिलेक्शन में हमें पता लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से आप आपकी फ़ोटो में ब्लरनेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिक्सअप करने के लिए फेदर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन में आपको बताऊं मॉडिफाई के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आप ये मैंने सिलेक्शन लिया और इस सिलेक्ट मेन्यू में मॉडिफाई में सबसे पहला ऑप्शन होता है बॉर्डर। यदि आपने जो सिलेक्शन लिया है इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ मॉडिफाई से आप बॉर्डर पे क्लिक कर दें और आप यहाँ पे जितने भी पिक्सल की बॉर्डर बनाना चाहें तो ओके करके ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन गई है। अब इस बॉर्डर में आप चाहें जो कलर फिल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें ये रेड कलर फिल कर दिया, ये देखिए। और मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ तो हम जो सिलेक्शन लिया उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए मॉडिफाई से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से स्टेप बैकवर्ड जाता हूं, ये देखिए, और मैं इसको करता हूं सिलेक्ट ऑल। अब मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना चाहता हूं, ये मॉडिफाई में गया और बॉर्डर, अब मुझे ये देखिए, अब मैं इसको कलर को फिल कर देता हूं, ये देखिए इसके चारों तरफ रेड कलर की बॉर्डर बन गई है। अब मैं वापस से इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे का ऑप्शन आता है मॉडिफाई के अलावा, इसमें ऑप्शन आता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है इसके कॉर्नर को राउंड में कर देगा बिल्कुल, यानी इसके कॉर्नर को ये राउंड में कर देगा, ये देखिए। मैं सिलेक्ट में गया और मॉडिफाई में गया और स्मूथनेस में मैंने यहाँ पे कर दिया 25 पिक्सल का स्मूथनेस। आप ये यहाँ देखेंगे, ये देखिए इसके कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ हो गए, राउंडेड हो गए हैं। अभी ये राउंडेड नहीं है, अभी ये देखिए मैं स्मूथ पे क्लिक करके इसमें स्मूथ दोबारा एक बार आपको देख के बता देता हूँ, ये देखिए कॉर्नर राउंड में हो गए, ये देखिए ये हमने जो भी फिल किया वो राउंड में फिल हुआ है। इसके बाद आता है इसमें सेलेक्ट मेन्यू के मॉडिफाई में एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब आपके सिलेक्शन को कितना और बढ़ाना चाहते हैं, कितना पिक्सल चारों तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें 50 पिक्सल किया, अभी मेरा ये देखिए यहाँ तक ही है। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए मेरा ये सिलेक्शन बढ़ गया है ऑटोमेटिकली, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ऑटोमेटिकली बढ़ गया। एक बार आपको दोबारा और करके बताता हूँ, सिलेक्ट में गया मॉडिफाई में एक्सपेंड पर मैंने ये 200 पिक्सल बढ़ा देता हूँ और ये देखिए ये मैक्सिमम 100 लेगा, ओके ये देखिए मेरा सिलेक्शन बढ़ गया है। अब इसी तरह से आप चाहते हो आपका सिलेक्शन को कम करना चाहते हो, मॉडिफाई में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे और ये अब के ये देखिए मेरा सिलेक्शन कम हो जाएगा, ये देखिए मेरा सिलेक्शन कम हो गया। अब इसके आगे का ऑप्शन जो आता है आपका वो आता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अभी मैं मेरे सिलेक्शन को यदि ये सिलेक्शन मैंने ले रखा है और यदि ये मूव करवाता हूँ, ये देखिए ये मूव हो गया, और यदि इस टू पॉइंट मूव टूल से करवाता हूँ तो मेरा ये इमेज मूव होगी। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिलेक्शन को बड़ा या छोटा करूँ तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब आप पर्टिकुलर किसी भी तरह से सिलेक्शन को छोटा बड़ा या किसी भी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। यदि ये देखिए आप सिलेक्शन को चेंज करना चाहें तो सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब ये देखिए ना इमेज मूव होगी ना कुछ, और अब आप सिलेक्शन को वापस छोटा बड़ा या मूव करवा सकते हैं। ये आ गया आपका ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब आता है आपका, एक आता लोड सिलेक्शन, एक आता सेव सिलेक्शन। हाँ दोस्तों,
मैंने ये सिलेक्शन ले लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन। अब मैं इस सिलेक्शन को मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, मुझे मान लीजिए इस सिलेक्शन की बार बार ज़रूरत होती है बार बार, तो मैं इस सिलेक्शन पे जाऊँगा, सेव सिलेक्शन पे क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ, कोई एम या ए नाम दे देता हूँ, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं इस फ़ोटो को सेव कर देता हूँ और इसको फ़ोटो को एक बार बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फ़ोटो को सेव करके और मैंने वो फ़ोटो को मैंने बंद कर दिया। अब मैं वापस से इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये मैंने ये फ़ोटो ओपन की। अब मैं वापस से वही सिलेक्शन मुझे वापस चाहिए तो मैं सेलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और लोड सिलेक्शन करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये देखिए मेरा सिलेक्शन वापस आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर सिलेक्शन को जो कि आपको बार बार रिक्वायरमेंट होता है उसको सेव कर सकते हैं और वापस से लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिलेक्ट मेन्यू के सभी ऑप्शन बताए हैं फोटोशॉप के। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।